सबसे पहला क्वेश्चन है, विच मोड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम कंटिन्यूसली ऑन ब्लॉक आफ्टर अनदर ब्लॉक। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा मोड प्रोग्राम को लगातार एक ब्लॉक के बाद दूसरे ब्लॉक में निष्पादित किया करता है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जॉग मोड, दूसरा एडिट मोड, तीसरा एमपीजी मोड और चौथा ऑप्शन है ऐटो मोड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा मोड प्रोग्राम को लगातार एक ब्लॉक के बाद दूसरे ब्लॉक में निष्पादित करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऐटो मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड इज यूज फॉर 5 पोजिशनिंग माइक्रोन लेवल ऑफ द एग्जिस्ट मूवमेंट। अक्ष गति की 5 स्थिति जो माइक्रोन स्तर पर, इसके लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है ऐटो मोड, दूसरा इंक्रीमेंटल जॉग मोड, तीसरा एमडीआई मोड और चौथा एडिट मोड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अक्षय गति की 5 स्थिति के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीमेंटल जॉग मोड। जॉग मोड तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है हम सीएनसी के बेस के ऊपर पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज सुटेबल फॉर रैपिड ट्रैवल्स। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कोड रैपिड ट्रैवल्स के लिए उपयुक्त है, इसके लिए पहला ऑप्शन है G00, दूसरा ऑप्शन G02, तीसरा G03 और चौथा ऑप्शन है G04। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कोड रैपिड ट्रैवल्स के लिए उपयुक्त है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, G00। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज फॉर टूल नोज कॉम्पिटिशन एट द लेफ्ट साइड। निम्नलिखित में से कौन सा टूल बाई और टूल नोज कंपेशन के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है G40, दूसरा G41, तीसरा G42 और चौथा ऑप्शन है G32। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज सुटेबल यूज फॉर टूल नोज कंपेशन एट द लेफ्ट साइड, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, G41। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम कोड इज सुटेबल फॉर स्पिंडल रोटेशन स्टॉप। निम्नलिखित में से कौन सा एम कोड स्पिंडल स्टॉप के लिए उपयुक्त है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है M05, दूसरा M03, तीसरा M06, चौथा ऑप्शन M04। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कोड स्पिंडल रोटेशन स्टॉप के लिए उपयुक्त है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, M05। इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे, और इसी तरह के रेगुलर क्लास हम आपको एग्जाम होने तक कंटिन्यू करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ एम। तो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें एम लेटर दिखाई दे रहा है, तो इस एम लेटर का मीनिंग क्या है इस डायग्राम में, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है मशीन 0 पॉइंट, दूसरा वर्क 0 पॉइंट, तीसरा टूल 0 पॉइंट और चौथा ऑप्शन मशीन रेफरेंस पॉइंट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए जो एम आपको लेटर दिखाई दे रहा है, इस एम का मीनिंग क्या है जॉब ड्राइंग में, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मशीन 0 पॉइंट, मशीन का 0 पॉइंट एम के सहायता से दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ एम। तो इस डायग्राम में आपको एक जॉब का डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसके सेंटर पॉइंट पर एम से दर्शाया गया है लेटर से, तो इस एम लेटर का मीनिंग क्या है इस डायग्राम में, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है मशीन 0 पॉइंट, दूसरा वर्क विथ 0 पॉइंट, तीसरा टूल 0 पॉइंट और चौथा ऑप्शन मशीन रेफरेंस पॉइंट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया जॉब डायग्राम में जो सेंटर लाइन के ऊपर एम दिखाया गया, इस लेटर का मीनिंग क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मशीन रेफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉइंट इज एनी सीएनसी मशीन द पोजिशन मेजरिंग सिस्टम हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट टू इच एक्सिस। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी भी सीएनसी मशीन में किस बिंदु पर स्थिति मापने की प्रणाली का प्रत्येक अक्ष पर एक प्रारंभिक बिंदु होता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है वर्क 0, दूसरा टूल ज्योमेट्रिकल वैल्यू, तीसरा मशीन 0 और चौथा रेफरेंस मोड। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसी भी सीएनसी मशीन में किस बिंदु पर स्थिति मापने की प्रणाली का प्रत्येक अक्ष पर एक प्रारंभिक बिंदु होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मशीन 0 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीएनसी कंट्रोल सिस्टम आर यूज्ड ऑन सीएनसी मशीन। निम्नलिखित में से सीएनसी नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग सीएनसी मशीनों पर किया जाता है। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि सीएनसी मशीन में जो कंट्रोल सिस्टम यूज किया जाता है वह कौन सा होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन सीमेंस एंड फानुक, दूसरा एडोब रीडर एंड माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा एक्सेल एंड एमएस
पावर पॉइंट, चौथा ऑप्शन है एमएस ऑफिस ओनली। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीएनसी मशीन में कंट्रोल सिस्टम कौन सा यूज़ किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीमेंस एंड फानुक। सीमेंस और फानुक का ही उपयोग सीएनसी मशीन में कंट्रोल सिस्टम के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ द जेड एक्सिस इन द सीएनसी लेथ मशीन। एक सीएनसी लेथ मशीन में जेड एक्सिस का मीनिंग क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है द लेंथ ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जो आपकी लंबाई, या फिर दूसरा ऑप्शन है द सेंटर एक्सिस ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जो आपका सेंटर एक्सिस, या फिर तीसरा ऑप्शन है द रेडियस ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जो आपका रेडियस पॉइंट, या फिर चौथा ऑप्शन है द डायमीटर ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जो आपका डायमीटर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीएनसी मशीन में जो जेड एक्सिस होता है सीएनसी लेथ मशीन में, उसका मीनिंग क्या होता है, वो क्या दर्शाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए द लेंथ ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जेड एक्सिस जो आपकी लंबाई को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कटिंग टूल हैज़ द एबिलिटी टू विदस्टैंड वेरियस कटिंग फोर्सेस ड्यूरिंग मशीनिंग। मशीनिंग के दौरान किस कटिंग टूल में विभिन्न कटिंग फोर्स का सामना करने की क्षमता होती है, जो क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टफनेस, दूसरा हार्डनेस, तीसरा ब्रिटलनेस और चौथा है सॉफ्टनेस। तो क्वेश्चन ने पूछा गया था कि जैसे कि क्वेश्चन ने पूछा कि मशीनिंग के दौरान कटिंग टूल में कौन सा गुण होता है कि जो विभिन्न कटिंग फोर्स का सामना करने के लिए क्षमता होती है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए टफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जी इन आईएसओ स्टैंडर्ड फॉर स्पेसिफाइंग टूल इंसर्ट, एक कोड दिया गया है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो क्वेश्चन में एक कोड दिया गया है, इस कोड में जो जी का उपयोग किया गया है आईएसओ स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो इस जी का मीनिंग क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ज्योमेट्रिकल फीचर्स, दूसरा रिलीफ एंगल, तीसरा शेप ऑफ द इंसर्ट और चौथा टॉलरेंस। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो कोड दिया है CNMG120408, इस कोड में जो जी का उपयोग किया गया इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन ने पूछा था। तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए ज्योमेट्रिकल फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉपर्टी हैज द एबिलिटी टू रिटेन हार्डनेस अंडर सर्व वर्किंग कंडीशन, कठोर कार्य परिस्थिति में कठोरता को बनाए रखने की क्षमता किस मटेरियल में होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टफनेस, दूसरा हार्डनेस, तीसरा सॉफ्टनेस और चौथा ब्रिटलनेस। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच प्रॉपर्टी हैज द एबिलिटी टू रिटेन हार्डनेस अंडर सर्व वर्किंग कंडीशन, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ टूल मटेरियल इज नॉन मेटल, कौन सा किस प्रकार के टूल मटेरियल अधातु होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन हाई स्पीड स्टील, दूसरा कार्बन स्टील, तीसरा स्टेलाइट और चौथा डायमंड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से टूल मटेरियल नॉन मेटल होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टी इन आईएसओ स्टैंडर्ड फॉर स्पेसिफाइंग टूल इंसर्ट। जैसे क्वेश्चन में एक कोड दिया गया है TNMG120408, तो इस कोड में जो टी उपयोग किया गया है टी का, इस कोड में इस टी का मीनिंग क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है डायमंड शेप, दूसरा ट्रायंगुलर शेप, तीसरा स्क्वायर शेप और चौथा रेक्टेंगुलर शेप। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो एक कोड दिया गया है TNMG120408, इस कोड का जो आईएसओ स्टैंडर्ड के हिसाब से टी का मीनिंग क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्रायंगुलर शेप। ट्रायंगुलर शेप कटिंग टूल का दर्शाने के लिए टी के हिसाब से दर्शाया जाता है कोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लियरेंस एंगल फॉर अ बोरिंग बार टूल यूज्ड इन सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में जो बोरिंग टूल यूज़ किया जाता है इसका क्लियरेंस एंगल कितना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 5 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 8 डिग्री और चौथा 9 डिग्री। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीएनसी मशीन में उपयोग होने वाले बोरिंग टूल का क्लियरेंस एंगल कितना होता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें एक्स के रूप में दिखाए गए पार्ट का नाम हमें पहचानना है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्लैंज, दूसरा एडाप्टर, तीसरा शांक और चौथा रिएक्शन नर। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाया गया है जो सीएनसी मशीन में कटिंग टूल के हिसाब से उपयोग किया जाता है, इस पे कटिंग टूल को लगाया जाता है। तो इस पार्ट में एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी एडाप्टर। ये जो आपको स्क्रीन पर एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट है, इस पार्ट का नाम है एडाप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफसेट हैज टू बी टेकन टू मेक द टूल मूव विथ रेफरेंस टू द जॉब इन द सीएनसी मशीन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीएनसी मशीन में जॉब के संदर्भ में
टूल को मूव करने के लिए कौन सा ऑफसेट लेना पड़ता है, यही क्वेश्चन है पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है वर्क ऑफसेट, दूसरा ज्योमेट्रिकल ऑफसेट, तीसरा वीआर ऑफसेट, चौथा है टूल ऑफसेट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीएनसी मशीन में जॉब के संदर्भ में टूल को मूव करने के लिए कौन सा ऑफसेट लेना पड़ता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्क ऑफसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द टूल इंसर्ट फॉर लेटर एल, एल अक्षर के लिए टूल इंसर्ट का आकार कैसा होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे एल अगर दिखाया गया तो इस एल लेटर का कटिंग टूल का आकार क्या होता है एल के लेटर से जो दर्शाया गया है, तो इसका इसके लिए पहला ऑप्शन है रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर, तीसरा राउंड और चौथा है ट्राइंगुलर। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एल अक्षर के लिए टूल इंसर्ट का आकार कैसा होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स, तो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जॉब का, इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट है इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टूल पोस्ट, दूसरा वर्क रेस्ट, तीसरा चेसिंग रेस्ट और चौथा ऑप्शन है चेचर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए एक्स के रूप में पार्ट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी चेसिंग पार्ट। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक्स के रूप में, ये हमारा चेसिंग पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल एंगल एज एक्स, स्क्रीन पर एक कटिंग टूल का डायग्राम दिखाया गया है जिसमें एक्स के रूप में इस एंगल को दिखाया गया है, तो इस एंगल का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है अप्रोच एंगल, दूसरा कटिंग एंगल, तीसरा टॉप रेक नेगेटिव एंगल और चौथा है साइड रेक एंगल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए कटिंग टूल में एक्स के रूप में दिखाया गया एंगल कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी टॉप रेक या फिर नेगेटिव एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट थ्रो अवे टिप टूल होल्डर मार्क एक्स, तो ये स्क्रीन पर आपको एक थ्रो अवे टिप टूल होल्डर का डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें जो एक्स के रूप में जो देख सकते हैं कि एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया गया है, इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चिप ब्रेकर, दूसरा सीम, तीसरा होल्डर और चौथा इंसर्ट। तो जैसा क्वेश्चन पूछा गया था कि थ्रो अवे टिप टूल होल्डर में एक्स के रूप में दिखाए गए पार्ट का नाम क्या है, तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है हमारा इंसर्ट है जिसे कटिंग किया जाता है जॉब के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैरामीटर इज डिसाइडेड बाय द कंट्रोलर टू टर्न द टूल होल्डर, टूल होल्डर को घुमाने के लिए कंट्रोलर द्वारा कौन सा पैरामीटर तय किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टूल होल्डर स्टाइल, दूसरा इंसर्ट टाइप, तीसरा शांक हाइट और चौथा है इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि टूल होल्डर को घुमाने के लिए कंटूर द्वारा कौन सा पैरामीटर तय किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल मटेरियल इज क्वाइट ब्रिटल एंड हैज अ लो बेंडिंग स्ट्रेन, कौन सा उपकरण मटेरियल मतलब कटिंग टूल का मटेरियल काफ़ी भंगुर और कम झुकने की ताकत है, कौन से कटिंग टूल में। इसके लिए पहला ऑप्शन है सिरामिक्स, दूसरा हाई स्पीड स्टील, तीसरा कार्बाइड और चौथा है कार्बन स्टील। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा कटिंग टूल में काफ़ी भंगुर और कम झुकने की ताकत होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिरामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल मटेरियल इज सुटेबल फॉर कटिंग वेरी हार्ड मटेरियल सच एज ग्लास, नॉन फेरस मेटल, प्लास्टिक, कांच, अलोहा, धातु, प्लास्टिक जैसे कठोर सामग्री को काटने के लिए कौन से कटिंग टूल मटेरियल का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सिरामिक्स, दूसरा डायमंड, तीसरा कार्बाइड और चौथा है स्टेलाइट। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कांच, अलोहा, धातु, प्लास्टिक जैसे कठोर मटेरियल को काटने के लिए कौन से कटिंग टूल मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ इंडेक्स केबल इंसर्ट इज यूज फॉर पार्टिंग और कटिंग पर्पज ऑन लेथ, लेथ पर पार्टिंग और कटिंग के उद्देश्य से किस प्रकार के इंडेक्स केबल इंसर्ट का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है बोरिंग इंसर्ट, दूसरा थ्रेडिंग इंसर्ट, तीसरा है कट ऑफ इंसर्ट और चौथा है ग्रोविंग इंसर्ट। तो ऐसे क्वेश्चन है पूछा गया था कि लेथ मशीन पर कटिंग और ग्रोविंग के उद्देश्य से किस प्रकार के इंडेक्स केबल इंसर्ट का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कट ऑफ इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टरेट हेड ऑन सीएनसी लेथ मशीन, सीएनसी लेथ मशीन में टरेट हेड का क्या उद्देश्य है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है इट होल्ड द वर्क पीस मतलब जॉब को पकड़ने के लिए, दूसरा ऑप्शन इट होल्ड द कटिंग टूल मतलब कटिंग टूल को होल्ड करने के लिए, या फिर तीसरा ऑप्शन इट सपोर्ट फॉर लेंथी वर्क पीस मतलब लंबे जॉब को सपोर्ट देने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन इट गाइड टू द वर्क पीस वाइल थ्रेडिंग कटिंग, थ्रेड कटिंग करते समय
वर्क पीस को गाइड करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीएनसी मशीन में टरेट हेड का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट होल्ड द कटिंग टूल। कटिंग टूल को पकड़ने के लिए टरेट हेड का उपयोग किया जाता है सीएनसी मशीन, लेथ मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज सुइटेबल फॉर ग्रूविंग ऑपरेशन। ग्रूविंग ऑपरेशन करने के लिए कौन से कोड का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है G17, दूसरा G18, तीसरा G21 और चौथा G75। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा कोड का उपयोग किया जाता है ग्रूविंग ऑपरेशन के लिए सीएनसी मशीन में, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, G75। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन व्हाइल सिमुलेशन। सिमुलेशन के दौरान स्क्रीन पर क्या प्रदर्शित होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन एंटायर पार्ट प्रोग्राम, मतलब पूरे पार्ट का प्रोग्राम दिखाई देता है। फिर ग्राफ ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जॉब का जो ग्राफ होता है कि कितना हमने कटिंग किया, कितना बाकी है, पूरा ग्राफ दिखाई देता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है वर्क ऑफ सेटिंग डिटेल, मतलब जो जॉब का सेटिंग डिटेल दिखाई देता है। या फिर चौथा ऑप्शन है ऑल टूल ज्योमेट्रिकल वैल्यू, मतलब पूरे कटिंग टूल का ज्योमेट्रिकल वैल्यू दिखाई देता है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सिमुलेशन के दौरान स्क्रीन पर क्या प्रदर्शित होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राफ ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जॉब का ग्राफ दिखाई देता है कि कितना हुआ है कितना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ G71 इन एक्सिस सिलेक्शन। एक्सिस सिलेक्शन में G71 का उद्देश्य क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है इनपुट वैल्यू आर इन एमएम, मतलब पूरे माप मिलीमीटर में। फिर दूसरा ऑप्शन है इनपुट वैल्यू आर इन इंचेज, मतलब पूरे माप इंच में। फिर तीसरा रैपिड ट्रैवर्स। फिर चौथा ऑप्शन है कटिंग टूल, द कटिंग टूल हैज़ टू ट्रैवल इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब कटिंग टूल ट्रैवल करते एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो कोड दिया है G71, तो G71 कोड का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द कटिंग टूल हैज़ टू ट्रैवल इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब कटिंग टूल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ट्रैवल करता है। तो इस तरह से आज के क्लास जो हमारा था DRDO Sub-10 टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 20, इस क्लास में हमने आपको सीएनसी मशीन के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें।